देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मेनपुरी के थाना कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला अवध नगर निवासी सुखबीर सिंह यादव और अजय राज यादव जैसे शराब माफियाओं पर प्रशासन ने नकेल कसते हुए गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए लगभग 2 करोड़ की लागत से बने मकान को प्रशासन ने कुर्क कर दिया। वहीं इस दौरान प्रशासन पर स्थानीय नेताओं द्वारा काफी दबाव बनाया गया ताकि शराब माफियाओं पर कुर्क की कार्रवाई न हो सके, लेकिन इस बार प्रशासन ने किसी की नहीं सुनी। वहीं एसपी ने बताया कि इनका गैंग D14 के नाम से मेनपुरी जनपद में दर्ज है। ये दोनों भाई गैंग के सरगना थे। सभी लोग मिलकर जगह जगह से शराब मंगवाते थे, बोतलों को खोलकर रीबॉटलिंग करते थे, इसमें मिश्रण करते थे, नकली शराब बनाते थे। इसी मामले में धरपकड़ की गई थी। इन पर गैंगस्टर का मुकदमा कायम किया गया। पूरा मामला हमारे जनपद मैनपुरी का है, जिसमें कुख्यात शराब माफिया ब्यास मुनि गैंग के दो कुख्यात अजय राज यादव और सुखबीर यादव की गलत कामों से, नकली शराब बना करके तस्करी करने के कारनामों से कमाई हुई काली कमाई को, ये देखिए बड़ा सा मकान है, इसको करीब 2 करोड़ रुपया संपत्ति इसकी कीमत है, और इसको आज हम लोगों ने पुलिस और प्रशासन ने मिलकर के अटैच कर लिया है इसकी कुर्की की।